आर्य समाज मंदिर शहीद भगत सिंह नगर जालंधर के साप्ताहिक यज्ञ में हवन प्रवचन एवं भजन के कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य यजमान सुनीत भाटिया एवं श्रीमती डिंपल भाटिया ने मुख्य यजमान के पद पर सुशोभित होकर पवित्र पावन वैदिक मंत्रों से यज्ञ में आहुति डाली। इस अवसर पर रहमत भाटिया व रूहानी भाटिया ने अपने अपने जन्मदिवस पर पवित्र पावन यज्ञ पर बैठकर यज्ञ में आहुतियां प्रदान की। यज्ञ के ब्रह्मा श्री जयप्रकाश विद्यालंकार रहे। इस दौरान भजनोपदेशिका सोनू भारती और रवि पोडवाल ने ईश्वर भक्ति के भजन गाकर श्रोताओं को मंत्रमुग्ध कर दिया। आर्य समाज के प्रधान रणजीत आर्य ने आए हुए महानुभावों का आभार व्यक्त किया। इस अवसर पर ओम प्रकाश मेहता, पूनम मेहता, अनु आर्य, प्रवीण लखनपाल, वेद प्रकाश भाटिया, जगदीश भाटिया, चौधरी हरिचंद, बैजनाथ, सुरेंद्र अरोड़ा, सुरेंद्र खन्ना, मोहित खन्ना, अमित सिंह, प्रिया मिश्रा, राजवीर सिंह, मनदीप कौर, सरिता सहगल, नेहा सहगल, दीपक मिश्रा, शुभम पूर्ण शर्मा, सुदेश भगत, हरिमंगल त्रिपाठी सहित असंख्य भक्त जन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। तो ये हम सबका दायित्व है कि हम अपने समाज को कैसा बनाना चाहते हैं। आज हम कह देते हैं बच्चे बात नहीं मानते, बच्चे सुनते नहीं, परंतु उसको बनाने से पहले हमने क्या उसके लिए, आप देखते हैं जो किसान है, अगर खेतों में कोई अनाज बोना होता तो उससे पहले कितनी जमीन की जो है गुड़ाई बुवाई वगैरह कितना कुछ करता है और अच्छा फसल ला करके बोता है। क्या हम अपने जीवन में उस प्रकार करते हैं? तो ये आज बड़ी खुशी की बात है कि आज आप आकर के एक जन्मदिवस यहाँ पर मनाए। नहीं तो आज हम क्या करते हैं, घरों में कैंडल जला करके बुझा करके हैप्पी बर्थडे टू यू कर देते हैं और बच्चों को पूछा जाए जन्मदिवस किस लिए, आज जो मुझे गिफ्ट मिलेगा बस ये पता उनको। जबकि जन्मदिवस के उपलक्ष में एक बच्चे के अंदर नए विचारों का अच्छे भाव उत्पन्न हो। देखिए बहन सोनू भारती जी ने बहुत ही अच्छा भजन गाया, तो हमने तो ऐसा विचार किया था एक बार कि हर रविवार एक नया दंपति पर किसी रक्षा लक्ष्यों का बढ़ाएगा। तो ईश्वर की कृपा होती है कि हमारे पास पहले ही बुकिंग शुरू हो जाती है। ये ईश्वर का काम है, हमारा नहीं है। यज्ञ एक ऐसी प्रगति है जो ऋषि मुनियों की परंपरा है। यज्ञ तो नित्यपति भगवान श्री कृष्ण भी क्या करते थे, योगी कृष्ण जी और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को तो वो लेकर के उसकी यज्ञ की रक्षा के लिए राक्षस को बचाने को मारने के लिए लेके गए थे। इसलिए हमें यज्ञ हमारे हम सभी यज्ञ की तरफ ध्यान देना चाहिए। आज का जो हमें देखा होगा आपने, पिछले दिनों कोरोना काल भी आया पर पिता परमात्मा से यही प्रार्थना है प्रभु ऐसा समय दोबारा ना लाए जो अपनों से दूरी बन गई, अपने बहुत बिछुड़ गए। लेकिन परमपिता परमात्मा ये पूरा विश्व इसको कर रहा है। आज चाइना जो ईश्वर को नहीं मानता वो चाइना भी इसकी प्रगति को, क्योंकि आज हमारे बीच में बहुत सारे मेरे परिवार में आए हैं। मैं उनका सभी का अपने इस आर्य समाज में दिल की हृदय की गहराइयों से आपका अभिनंदन स्वागत करता हूँ।